जी हां, फांसी हुई सियासी। नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। दिन की सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं, श्वेता भट्टाचार्य। अब आप सोच रहे होंगे किसकी फांसी, तो एक ही फांसी है जिसका जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, निर्भया के गुनहगारों की फांसी। अभी 22 तारीख याद होगी आपको, 22 जनवरी को मुकर्रर हुआ था, ये तय हुआ था कि 22 जनवरी को निर्भया के दोषियों की आखिरी सुबह होगी। फिर दोषियों ने नई चाल चली, फिर तारीख टालने की कोशिश की गई और कामयाब भी हो गए। आज से 14 दिनों के बाद 1 फरवरी का तारीख दोषियों को फांसी के लिए तय कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में फांसी सियासी जरूर हो गई है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सब भूल गए हैं कि इन 7 सालों में निर्भया की मां ने क्या क्या सहा है। नेता एक दूसरे को दोष देते नजर आ रहे हैं, कानूनी दावपेच ने दोषियों को कुछ दिन और दे दिए हैं, और ऐसे कितने दिन दोषियों को मिलते रहेंगे, कब तक दोषियों की सजा टलती रहेगी और कब तक निर्भया जैसे केस पर नेता जो हैं बेतुके बयानों के सहारे अपनी सियासत चमकाते रहेंगे। आज इसी पर अगले 1 घंटे तक हम बहस करेंगे, चर्चा होगी, तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। निर्भया की मां आशा देवी की आंखों से बहते ये आंसू बेमानी नहीं है, बल्कि इंसाफ का इंतजार जब अपनी हदों को पार कर गया तो गम आंखों से आंसू की शक्ल में छलक उठा। यूं तो 7 जनवरी को डेथ वारंट जारी होने के बाद उम्मीद जागी थी, ये लगा था कि 7 सालों की लड़ाई अपने अंजाम पर आ गई है। सोचा था 7 साल ही सही, कम से कम इंसाफ तो मिला। बस इसी उम्मीद के बहाने देश ने एक दूसरे को बधाई दी, मिठाइयां खिलाई, लेकिन कानूनी दाव पेच के बाद एक बार फिर दोषियों ने अपनी मौत को टालने का इंतजाम कर ही लिया। जब तक उनको फांसी नहीं हो जाती तब तक मुझे तसल्ली नहीं है, क्योंकि ये शुरू से ही आगे आगे डेट, कभी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब ऑरेंज पे भी डेट पड़ने लगी, तो मुझे इससे तसल्ली नहीं है। 7 सालों तक इंसाफ की लड़ाई जब तारीखों में तब्दील होती गई तो सब्र का बांध टूटना भी लाजमी था। बेटी के लिए इंसाफ की मांग लेकर कोर्ट की दहलीज पर भटकती आशा देवी का गुस्सा अब सरकारों के रवैये पर निकल रहा है। निर्भया पर हो रही सियासत के साथ ही आशा देवी ने कानूनी दांवपेच के सहारे वक्त टाल रहे दोषियों और कानून व्यवस्था की कमजोरियों पर भी सवाल उठाए। ये दोनों जने अपनी पॉलिटिक्स रोटी सेक रहे हैं, बच्ची की मौत हुई है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके पास सब कुछ है, कानून व्यवस्था है, पुलिस है, लेकिन ये बच्ची की मौत के साथ खेल खेल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोका, इन्होंने जवाब दे दिया कि हमें पुलिस दे दिए, मैं 2 दिन में दिखाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे ये साजिश लग रही है कि ये जानबूझ के फांसी को टाला जा रहा है। इस कानून को संशोधन करिए, क्योंकि कानून बनाने से नहीं, और 7 साल पहले जो आपने कहा कि अब बहुत हुआ नारी पे बार, अब की बात मोदी सरकार, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि एक बच्ची के मौत के साथ मजाक मत होने दीजिए। कानूनी दावपेच के सहारे अपनी मौत का वक्त टालते निर्भया के गुनहगारों पर सियासी खेल से आज आशा देवी परेशान नजर आ रही हैं। और हो भी क्यों ना, निर्भया के मामले में कोई भी सियासी पार्टी क्यों ना हो, अपना फायदा सब देख लेते हैं। जो जो दिल्ली सरकार के काम थे हमने उसको चंद घंटों में पूरा किया। जैसे अभी कुछ दिन पहले जब उसकी मर्सी पिटिशन आई थी, हमने दिन भी नहीं लगाया, कुछ घंटों के अंदर उसको राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया। तो दिल्ली सरकार का डिले करने में कोई वो नहीं है। जो विलंब अब तक हुआ 6 साल, और जो अब भी विलंब हो रहा है फांसी पे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों सरकारें दोषी हैं। जो विलंब हो रहा है सीधे सीधे दोषी हैं, और ये जो कानून बनाया है उसका खामियों का जो सहारा ले रहा है वो जानबूझकर छोड़ी जाती है, जिससे फांसी ना हो सके, या लापरवाही। ये शर्मनाक है कि सच्चाई सामने आने के बाद भी इंसाफ में 7 साल गुजर जाए,
सात सालों तक एक मां को अदालत के चक्कर काटने पड़े और जब सात सालों तक गुनहगार कानूनी कमजोरियों के सहारे अपनी गर्दन बचाएं, तो सोचने की जरूरत महसूस होती है कि कमजोरियों को कब दूर किया जाएगा और गुनहगारों को उनके अंजाम तक कब पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो नई तारीख मिल चुकी है, 1 फरवरी, फांसी पर लटकाया जाएगा निर्भया के गुनहगारों को, लेकिन अभी भी कई दाव पेच हैं और चर्चा के दौरान हम इस पर बात भी करेंगे। लेकिन R9 TV कुछ सवाल उठाना चाहता है इस मुद्दे को लेकर। सवाल ये कि निर्भया केस पर क्यों सियासत की जा रही है? क्या सचमुच सिस्टम को बदलने की जरूरत है? नीड ऑफ द आर, हम कहते हैं कई बार कि नीड ऑफ द आर है, अब सिस्टम को बदलना चाहिए, तो क्या अब जरूरत महसूस होने लगी है? 7 सालों से क्यों करना पड़ रहा है इंसाफ का इंतजार? दोषियों की फांसी में देरी का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल काफी अहम हो जाता है कि दोषियों की फांसी का जिम्मेदार कौन है, जो डीले हो रहा है उसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्योंकि अब फांसी जो है वो सियासी हो चुकी है। तो चलिए गेस्ट पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराऊं और इन्हीं से चर्चा करेंगे कि आखिरकार फांसी सियासी कैसे हो गई। दिल्ली में चुनाव है, कहीं उसकी सुगबुगाहट तो देखने को नहीं मिल रही कि फांसी भी अब सियासी हो गई है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिरुद्ध सिंह मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में, कांग्रेस के लीडर अजय अरोड़ा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ संजीव चौधरी सपा के नेता स्टूडियो में मौजूद है और रमेश मोहन श्रीवास्तव आपके नेता भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही साथ हमारे साथ परविंदर सेठी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रियमंदा तोवर सदस्य महिला आयोग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और पवन सोम एडवोकेट, और आज काफी अहम रोल होने वाला है पवन सोम आपका। आपके पास आज जितने कानूनी दाव पेच है उसके लिए मैं आऊंगी, लेकिन शुरुआत, क्योंकि फांसी अब सियासी हो चुकी है तो शुरुआत तो पॉलिटिकल पार्टीज से बनती है। अनिरुद्ध जी, आप जिम्मेदार हैं बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, आप तो बिल्कुल जिम्मेदार, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, ये भी सुन लीजिए। देखिए दिल्ली में चुनाव है, मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की बहन स्वाति मालीवाल जी, उसके पहले खूब धरना प्रदर्शन, खूब स्ट्राइक उनका चलता रहता था, अब तो कम से कम उनका भैया चीफ मिनिस्टर, उनको बोलना चाहिए बहन को भैया की, क्या कहते हैं कि हमारी छोटी बहन के साथ इतना बड़ा दुर्दांत हुआ है, कम से कम उनको फांसी पे लटका, वो क्यों, उनका गवर्नमेंट वकील जो है वो जाके तिहाड़ जेल में ये बोलता है कि जब तक इन दो लोगों का डिसीजन नहीं आ जाता है, अरे वो सरकारें तो उस टाइम की थी, 2012-11-12 की बातें हैं और उस टाइम पे सरकार थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसके बाद कंटिन्यूअस दिल्ली गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की आती है, उसके बयान तो आज आया है, दोनों गवर्नमेंट कांग्रेस की, उसमें आम आदमी पार्टी की तरह आती है, उसके बाद में अरे बयान क्या, ये तो कन्हैया कुमार का भी चार्जशीट दबा के रखे हुए हैं, इनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता, ये तो राजनीति में खेल खेलना। मैं कह रहा हूँ निर्भया की माँ का वीडियो यहाँ पे है, वो खुद कहती है रोते हुए कि अरविंद केजरीवाल, कुलदीप सिंह सेंगर का फिर आप लोग क्यों नहीं केस सॉल्व करवाते, कुलदीप सिंह सेंगर का केस हो या कोई केस हो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी किसी अपराधी के साथ नहीं खड़ा होता। आप बता दीजिए चुनाव के 2015 के चुनाव में कितने फास्ट ट्रैक बनाने का वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, आप उनकी स्पोक्स पर्सन बनकर बैठी है, लेकिन आप बता दीजिए एक भी फास्ट ट्रैक नहीं बना, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मजे में हो जाता है, उनका वकील क्यों जाके तिहाड़ जेल में, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को छुपाने के लिए मुद्दे से मत भटके, आप मुद्दे से मत भटके, आप आज की बात करिए, अनिरुद्ध जी आप आज की बात कीजिए, आप उत्तर प्रदेश में बताइए, आप पहले केंद्र में आपकी सरकार है, आप अब से 20 साल में आता तिहाड़ जेल किसके परीक्षण में आता है, आज की बात करना है, उत्तर प्रदेश के बाद उनका वकील, उनका सरकारी वकील क्यों टांग अड़ा रहा उसमें, सरकारी वकील अनिरुद्ध जी आप मेरे सवाल का जवाब देने से पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, संजीव चौधरी प्लीज, संवेदनशील है,
संजीव चौधरी मेरे सवालों को जवाब लेने दीजिए। देखिए मैंने पहला रिएक्शन भी सभी गेस्ट का नहीं लिया, इस तरीके से करेंगे कुछ भी समझ में जनता को नहीं आएगा। तो प्लीज सेंसिटिव मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है संजीव चौधरी, जब आपके पास मैं आऊं प्लीज आप अपनी बात को संवेदना के बारे में छोड़ दीजिए, संवेदना के बारे में छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी संवेदना की बात ना करे, बिल्कुल संवेदनशील तो है नहीं, लेकिन संवेदना की बात छोड़ दीजिए। अरे बोल आप रहे तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना, मुलायम सिंह जी के बारे में बताना पड़ेगा ना, आपकी संवेदनाएं दिखानी पड़ेगी ना, क्या क्या उनके विचार है, क्या कल्पना करते हैं। मैडम मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन दो लोग अटैक कर रहे हैं ना जबरदस्ती के, वो आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन बन के बैठे हुए हैं, तो मैं क्या करूँ। अरे साहब आप बीच में कूद रहे हैं ना, क्यों मुलायम सिंह जी की, अरे मुलायम सिंह जी ने इतना बढ़िया प्रवचन दिया था, सुनने में शर्म लगती है क्या, मुलायम सिंह जी ने इतना अच्छा प्रवचन दिया था, सुनने में शर्म लगती है। अरे उस चीज की बात कर लीजिए, और आप लोग इसमें साहब आप क्या छोड़ दीजिए, आप क्या सामान की बात कर रहे हैं, और शो स्टार्ट होते ही आप लोगों ने ये प्रूफ कर दिया, हैंस इट इज प्रूफ कि ऑल पार्टीज आर डूइंग पॉलिटिक्स, फांसी पर पॉलिटिक्स हो रही है, हैंस प्रूफ। मुझे आगे डिबेट कंटिन्यू करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हैंस प्रूव्ड। मैं एक से सवाल ले रही हूं, जवाब दे नहीं रहे हैं, सियासत कैसे हो रही है जनता को समझ में आ रहा है। मैंने अभी गेस्ट से एक एक रिएक्शन भी नहीं लिए हैं और आप लोग एक दूसरे पर चढ़ बैठे हैं, पता चलता है सर, पता चलता है कि कितने सेंसिटिव हैं आप लोग। प्लीज मुझे एक एक करके कम से कम एक एक कमेंट ले लेने दीजिए, एक दूसरे में इंटरफेयर कीजिएगा तो दूसरा भी आपका टाइम खाएगा, तो अपने टाइम पर आप बोलिए। अनिरुद्ध जी मुझे रमेश जी के पास जाना, आप बताइए आम आदमी पार्टी कैसे जिम्मेदार है, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा उसमें कानूनी भाषा में नहीं बोलूंगा, एक सिंपल सी बात है कि उनका वकील जाता है जो सरकारी वकील होता है, जो निर्भया की तरफ से, निर्भया की माँ की तरफ से वहां पे पेश होता है, लिखता है कि साहब जो एग्जीक्यूशन है फांसी की 22 तारीख को मत करिए, बाकी दोनों लोगों की अभी उसमें चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है, जब तक उनका लीगल प्रोसेस कंप्लीट, लीगल रेमेडी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप एग्जीक्यूट मत करिएगा। किसी बेसिस पे कह रहे ना, नहीं क्यों नहीं क्यों, मैं कह रहा हूँ जरूरत क्या उसको इतना लिखने की, रमेश जी जवाब दीजिए, जहाँ लीगल इतना लिखना फंसाया जा रहा है उसको लिखने की क्या जरूरत है। जी बड़ा लंबा भाषण दे गए वो, चलिए लेकिन भाषण में जो मूल तत्व थे उसको गायब कर गए वो, भाषण कोई नहीं दे, अरे साहब सुन तो लीजिए, तभी तो केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है यहाँ के, आपकी 3 सीटें आई और इस बार जीरो आ रही है, अरे साहब 7 तो हम आ गए ना, 7-0 आउट कर दिया था, आप इस पे चर्चा मत करिए, आप बता दीजिए फांसी क्यों रोक रहे हैं, आप बता दीजिए फांसी क्यों रोक रहे हैं, सुन लीजिए झूठ बोल रहे हो आप, सुन लीजिए, ये तो रेपिस्टों को वो देते सिलाई मशीन को 5,000 रुपया पेंशन देते हैं, जो रेपिस्ट को इन्होंने सिलाई मशीन दी है, मोहम्मद नाम का रेपिस्ट था उसको सिलाई मशीन इन्होंने दिया है, ये जवाब अरविंद केजरीवाल सिलाई मशीन बांट रहे हैं, ये जवाब दे दे, सुन ले, आप बता दीजिए गृहमंत्री, अरे समाज पार्टी चुप ही रहे, सवाल पूछा है सबको पता है, अब मेरे से सवाल पूछा जवाब भी दे दीजिए, अभी सिलाई मशीन वाला मुद्दा कह रहे थे मैडम, आपके भैया ने दिया, अरे सुन लीजिए सर, ये आपकी सरकार की करतूत है, अरे सिलाई मशीन कानून बनता है, करतूत हमारी क्या बात, एक कानून बनता है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 भाजपा की मतलब सरकार की, सुन लीजिए कर रहे उस कानून की बात है, अरे महोदय सुन तो लीजिए, आपकी सरकार ने कानून बनाया जिसमें स्पष्ट लिखा गया, आप सुन तो ले, जिसमें स्पष्ट कानून की बात कर रहा हूँ जो आपकी सरकार ने बनाया, अरे हमारी सरकार का लिखा गया, तो आपने सिलाई मशीन हमने बांटा था क्या, आप सुन ले, सिलाई मशीन आपने बटवाई है, आपने बटवाई है, आप सुन तो ले, आपने बटवाई है, अच्छा उसने ये लिखा गया, मतलब आम आदमी दिल्ली एनसीआर में लिखा गया, आम आदमी पार्टी सिलाई मशीन भाजपा बांटे, अरे भाई यू हैव पेशेंस, कम से कम सत्ता पक्ष में है, सुनने का मतलब क्या है सर, बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते क्या, हर एक पॉइंट को लेके आप जवाब देंगे तो कैसे आगे बढ़ूंगी मैं, सत्ता इनके हाथ से फिसलती जा रही है, पहले आप सुन ले, उसमें यह स्पष्ट लिखा केंद्र सरकार के उस कानून में स्पष्ट लिखा कि जो जुवेनाइल है और इसमें से 6 में से 1 अपराधी जुवेनाइल था, जब वो जेल से बाहर आया तो उसके ऊपर ये कानून लागू हुआ कि उसके रिहैबिलिटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन है कि वो इंतजाम करेगी ताकि वो बेरोजगार न रहे, हमने एक प्रस्ताव किया कि उसकी बेरोजगारी दूर करने के लिए जो कानून में निर्देश है
उसका पालन कर रहे थे, साहब कानून आपने ही बनाया था। मतलब एक बलात्कारी का बेरोजगार देने नहीं नहीं, अरे साहब कानून आपने बनाया ना, कानून तो आपने बनाया ना, ये कानून किसने बनाया था, ये कानून आपने बनाया था। दरअसल आप अपने कानूनों को सिलाई मशीन दरअसल नहीं, आप अपने कानूनों से भटक जाएंगे। आपके जो कानून है, कहां कानून में कमियां हैं, कहां सुधार की जरूरत है, रमेश जी, रमेश जी सिलाई मशीन, आज आप लोग सिलाई मशीन चलिए पहले सवाल का जवाब दे दीजिए, पहले सवाल का भी जवाब दे दीजिए। अब दूसरी बात, देरी वाली बात पे, जहां तक उनके देरी वाली बात है, कल ही उप मुख्यमंत्री ने कहा है दिल्ली पुलिस दो दिन के लिए हमें देके देख लीजिए, सारे इन दोषियों को फांसी पे लटका देंगे। आपने देर की है, भारतीय जनता पार्टी के जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनकी तरफ से दो दिन आपको दबा कर लेंगे। दिल्ली सरकार हमारी आज का रूल सही कर लेंगे, इस फाइल को दबा के बैठा हुआ है। मैंने ले लिया जवाब जो लेना था, आपको दो दिन आपको चाहिए ना, दिल्ली पुलिस अपने हाथ में चाहिए तभी आप कुछ कर पाएंगे, ऐसे आप तो आपके हाथ पर नहीं है। नहीं हमारे पास मैडम हमने तो जवाब दिया करने दिए, अजय अरोड़ा अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, क्या सियासत हो रही है, देरी किस तरफ से हुई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से या बीजेपी, जिस तरीके से सियासी बयानबाजी हो रही है वो भी इतने सेंसिटिव मुद्दे पर, क्या ये होनी चाहिए ऐसे वक्त में? श्वेता, पूरा हिंदुस्तान हमें देख रहा है, उस बच्ची के आंसू की बात होनी चाहिए थी, उस मां के आंसू की बात होनी चाहिए थी। मैं दोनों पार्टियों के प्रवक्ता की तरफ से, जो जनता सुन रही है, जनमानस सुन रहा है, उससे माफी मांगते हैं दोनों की तरफ से। ऐसे व्यापार, ऐसे विचार ये राजनीति करने आए हैं, उस जिसकी मां का नाम आशा देवी है उसको भारत के और दिल्ली के कानून सिस्टम से निराशा मिली है, वो आज भी रो रही थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख उस मां के आंसू की बात करते। जब श्वेता जी आपने सवाल किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, इसका जिम्मेदार आप हैं, तो इन्होंने कहा हाँ, तो मुझे लगा ये खुद को कह रहे हैं, ये आम पार्टी को कह रहे हैं, तो मुझे लगा कि इन्होंने स्वीकार भी कर लिया। और मेरी बहन ने बात रखी बीच में, जब बात रोके कुलदीप सेंगर वाली बात की, क्यों नहीं बात की जाएगी, हर मुद्दे पे बात की जाएगी, हमें हर मां के आंसू, क्या बेटी सुरक्षित है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस नारे को सुन सुन के कई बार लगता है कि हमारे कानों में जो भी नहीं देखती और हम वैसे के वैसे ही हैं, समाज वैसे का वैसे ही है, हमें समाज को सुधारना होगा, ये इसने किया ये उसने किया। मैं तो कहता कि दोनों सरकारें, केंद्र सरकार भी और दिल्ली की सरकार, दोनों दोषी हैं। अभी इन्होंने बात रखी, अनिरुद्ध जी आप बोलना मत, मेरे बीच में बोलना मत, आप इंडिया गेट पर मत, आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, आप कोई नहीं बैठा है आपका, आपको सुनने नहीं आया, नहीं बैठा है। 2011 से लेकर 2014 तक सरकार थी, आप क्या कर रहे थे, यही सवाल पे आ रही थी अनिरुद्ध जी, यही सवाल पे आ रही थी, आपको दोनों सरकार दोषी है, तो मुझे जरा से याद दिला दीजिए आप लोग, घटना कब घटी थी, घटना कब घटी थी और घटना घटी ही क्यों, आप घर के बीच में बोल रहे हैं, आप डेकोरम खराब कर रहे हैं, आप डेकोरम खराब कर रहे हैं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप चुप रहिए, आप पहले मेरी बात सुनिए, अजय जी गुस्से हुए हैं, अजय जी सरकार किसकी थी, अरे मैं बोल रहा हूं 20 मिनट होने को है, डेकोरम मुझे सीखना, देखिए मुझे न्यायालय ने कहा था जब दोनों सरकारों 2.5 साल के ऊपर बात की है, आज ओबामा कह रही है कि अभी भी 1 फरवरी बोला है, उसे उसकी आंखों में आंसू थे, वो कह रही थी बहुत सारे पता नहीं, पता नहीं किसी ने नाबालिग की बात की, उन चारों में से कई पिटीशन ना डाल दे, उस मां को आज भी विश्वास नहीं है, ये विश्वास खो रही है जनता, ये मां विश्वास खो रही है, ये बेटी की मां विश्वास खो रही है, भारत की नारी विश्वास खो रही है, 2012 में जिम्मेदार, देखिए आप लोग अभी भी बैठ के एक दूसरे को पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, आप लोग जाना नहीं चाहते हैं, जा नहीं रहे, नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कानून, या फिर आप जड़ तक जाना ही नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सियासत करना ही चाहते हैं अजय जी, इसीलिए ये जितने सेंटिमेंटल आज वर्ड यूज कर लीजिए ना, मेरे ऊपर नहीं फर्क पड़ेगा,
कीजिएगा सर, क्योंकि आप लोग जड़ों पर, आपकी गलती है, आप जड़ों पर बात ही नहीं करना चाह रहे। मैं अभी खंडन करता हूँ, मैं बिल्कुल, अरे खंडन मुझे कुछ नहीं सर, ये घड़ियाली आंसू ना, ये घड़ियाली आंसू और घड़ियाली शब्द ना, यहाँ कुछ जला नहीं पाएंगे। मैं आप खंडन कीजिए सर, आपको हक है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती, आप कीजिए। बेटी हूँ तो क्या, बेटी हूँ तो लाचार हूँ, बेटी हूँ तो आप घड़ियाली आंसू बहाएंगे, क्या बात कर रहे हैं आप, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं सर इतनी सक्षम हूँ कि मैं उनकी माँ से बात कर लूँ और उनके दर्द को भी समझ लूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन हम बिल्कुल रोकूंगी, बिल्कुल रोकूंगी, आप लोग जड़ में नहीं जाना चाहते हैं, आप लोग ऊपर ऊपर बात करना, प्रियंका राणा नहीं, अप्रिशिएट सिर्फ एक बात कहूंगी, जो बात आपने ये कही कि मैं मानता हूँ सभी राजनीतिक दल को इससे ऊपर उठकर, ये बात मैं आपकी कोट कर रही हूँ सर, जो सबसे अच्छी बात आपने कही इतने देर के दौरान, सभी राजनीतिक दल को इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए, लेकिन जड़ में आप भी नहीं गए कि हमारे कानून में क्या लूपहोल्स हैं। मैं एक एक करके सब कुछ पवन सोम से पूछूंगी, इसीलिए आखिरी में जाऊंगी। 30 सेकंड, चलिए आपने बात रखी, 30 सेकंड, आपने 30 सेकंड बोला, मैं प्रियंका राणा पे जाना चाह रही हूँ सर। अनिरुद्ध जी कौन से कहाँ से आते हैं आप, मुझे पता नहीं लगा, आप 70 साल रोते रहेंगे, अगले काम कब करेंगे आप, अब जब से आया छे 70 साल, अरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, कानून की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, जामिया के बच्चों की बात करें, जेएनयू की बात करें, कुलदीप सेंगर की बात करें, आप बात कर रहे हैं, बीच बीच में बात करते हैं, आप घिरे हुए हैं, आप लाचार हैं, आप लाचार हैं, आप मजबूर हैं, आप लाचार हो चुके हैं, क्योंकि पूरा देश प्रेशर कर रहा है आपसे, आप लाचार हैं, आप मजबूर हैं। प्रियंका राणा टाइम अप सर, देखिए 30 सेकंड दिए आप, 30 सेकंड में क्या क्या बोलते रह गए, आप खुद एक बार फिर से देखिएगा सर शो को। प्रियंका राणा ये जिस तरीके से सभी पार्टियों का देखिए रिएक्शन लिया है, और आ जाऊंगी बीच में क्योंकि सब आप भी संजीव जी बोल चुके हैं, आपके पास भी आऊंगी। प्रियंका राणा एक तरह से तो आपने सुन लिया सभी पार्टी क्या क्या कह रही है, लेकिन अब देखिए एक लड़की के साथ जो होना था वो हो गया, वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी माँ चक्कर काट काट के परेशान हो चुकी है, बार बार तिल तिल मरती है, लेकिन पार्टियों को इतनी सेंसिटिव भी नहीं है पार्टी कि आखिर सोचे कि आखिर गलती कहां है, अगर कानून में सुधार की जरूरत है और कहां से सुधार होगा ये सबको पता है प्रोसेस क्या है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं कर रहा है, एक दूसरे पर बीजेपी आप पर डाल रही है और आप जो है बीजेपी पर डाल रही है, कांग्रेस का कोई काम नहीं, तो दोनों पार्टियां अभी तक कोई कानून के लूपहोल्स की बात नहीं कर रहा, जब तक उनका हक है, उनका राइट बनता है ये कि ये सारे रेमेडीज बचे हैं और वो इस्तेमाल करेंगे, ये आपको भी पता है, तो कौन सियासत कर रहा है? बिल्कुल सियासत हो रही है, और बहुत दुखद है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जितना जघन्य अपराध ये हुआ था और उस अपराध के ऊपर राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए सभी राजनीतिक दल को, कम से कम कुछ मुद्दों को छोड़ दीजिए, कम से कम आपके घरों में भी माँ बेटी होंगी, तो ऐसे मुद्दों पर आप ऐसी राजनीति करते हैं। 7 साल हो गए, आप देख रहे होंगे मैं कितनी बार पैनल पे बैठी हूँ निर्भया की माता जी के साथ, उनके पिताजी के साथ, और आज भी मैं सुबह से उनके साथ ही हूँ, देख सकते हैं कितनी पहले कितना कॉन्फिडेंस था उनमें, कितनी खुशी थी, आपको याद होगा जब एनकाउंटर हुआ था तब वो बहुत खुशी मना रहे थे, और उन्होंने एक बात इतनी दिल को चुभने वाली बोली थी कि कम से कम उन माता पिताओं को मेरे जैसा दुख नहीं झेलना पड़ेगा, बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कितने सिस्टम में लूपहोल्स हैं। प्रियंका जब आपने जिक्र किया तो यहाँ आखिरी बार भी जब 22 तारीख डेट आई थी तो उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया था कानून व्यवस्था पर, लॉ पर, उन्होंने वो जताया था कि अभी भी इंसाफ मिलता है, रास्ते बंद नहीं हुए, लेकिन अब वो टूट चुकी हैं, जब ये 22 जनवरी की डेट आगे बढ़ी है अब वो टूट चुकी हैं, और अब वो कहने लगी है कि सियासत हो रही है, हो रही है, क्योंकि आप ये देखिए ना कि किस तरह से इलेक्शन है आज दिल्ली में, तो बीजेपी कह रही है कि आप कर रही है, आप कह रही है बीजेपी कर रही है, बीच में कांग्रेस पार्टी का कहीं नाम नहीं है तो वो बीच में कूद जाती है, अभी तक सारी पार्टी क्या कर रही थी, सिस्टम किसने बनाया था, ये सारे जुडिशियल सिस्टम किसके लूपहोल्स है, आज जो अपराधी इसका फायदा उठा रहे हैं किसकी कमियों से है, उनको आप दुरुस्त क्यों नहीं करते हैं, वो काम किसका है, आम नागरिक का काम है, ये आप लोगों का काम है, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है, नारे बहुत बड़े बड़े दिए जाते हैं, बीजेपी कहती है बहुत हुआ नारी पे वार की बार बीजेपी सरकार, आप कहती है 2 दिन में मुझे पुलिस दे दीजिए, मैं अभी सारा सिस्टम ठीक कर दूंगा, अरे शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को इतने साल हो गए कुछ नहीं कर पाए, और ऊपर से आप राजनीतिक रोटियां सीख रहे हैं, आज इलेक्शन है तो आप कुछ भी बोलेंगे, इतनी सारी एक निर्भया का केस मतलब नहीं है, मुद्दे नहीं रह गए तो अब इन मुद्दों को और श्वेता ये एक निर्भया का केस नहीं है, न जाने कितनी निर्भया आज कोर्ट में इंतजार कर रही है न्याय के लिए, लेकिन किसका, ये एक केस था जिसके साथ पूरी देश खड़ा है, तब उसको
को 7 साल लग गए, बाकी केस का आप सोचिए क्या हाल होता होगा, कितने दबा दिए जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में तो आप बहुत गुस्सा कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, आप मुझे बताइए ना क्यों नहीं आता है, वहां पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पे क्यों नहीं जल्दी से जल्दी आता है, पूरा परिवार बर्बाद कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। प्रदेश के अंदर सबसे जल्दी अभी फास्ट ट्रैक बनाया गया, अरविंद केजरीवाल 2015 फास्ट ट्रैक कोर्ट में, आपको पता होना चाहिए 1600 आप क्या बात कर रही है, आप नॉलेज ले लीजिए पहले यूपी गवर्नमेंट से, आप तो आरटीआई लेके मांग लीजिए ना, बिना बिना जज के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनता है, आप पहली बार पहले सुन रहा हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना बिना जज के। आप अरविंद केजरीवाल से सारी फास्ट ट्रैक का वादा लेके आए भैया, और क्या हुआ 2019 हो गया। प्रियंका राणा कह रही हैं, कितना आप इत्तफाक रखती हैं प्रियंका राणा से, वाकई में ये होता है जब आप विक्टिम्स के साथ जाइए, अनिरुद्ध जी चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन इस मैटर पे तो मैं बोलूंगी कि आप कह देते हैं कि हमने इतने कोर्ट बना दिए, स्मृति ईरानी ने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया कि इतने कोर्ट्स इतने, मैं ये नहीं, मैं निराशावादी बात नहीं कर रही हूं मैम कि नहीं बने हैं, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बल्कि हम देख सकते हैं इतना हाई प्रोफाइल मामला है ये, उसके बावजूद दोषी खेल रहे हैं, हंस रहे हैं जैसे कानून के ऊपर, और नहीं हो रहा। आप क्या इत्तफाक रखती हैं प्रियंका राणा के इन बातों से कि इस तरह से आपके सामने भी कई केसेस आते होंगे मैम, जहां डीले पे डीले होता जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे कानून में बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिनका कि जो अपराधी होते हैं वो फायदा उठाते हैं, और उसमें इम्प्लीमेंटेशन में बहुत डिले हो जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ। पहले जो लोअर कोर्ट से मात्र 8.5-9 महीने में उसको न्याय मिला, हाई कोर्ट में 6 महीने में मिल गया, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो आप देख रहे हैं पिछले 5 वर्ष हो गए वहीं पे, कभी क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन, फिर क्यूरेटिव, एक एक करके वो आ रहे हैं। तो पर साथ में बात यह है कि इसको अगर हमें दुरुस्त करना है तो पार्टी पॉलिटिक्स से अलग, सियासत से अलग, सबको मिलके बैठना पड़ेगा। अब ये क्या हुआ कि लोग सड़कों पे धरना देंगे, तब थोड़ी इस बात का सोल्यूशन होगा। अब एक दूसरे का विरोध करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे कि हम तो ये कर देते हैं, हम वो कर देते, 70 सालों से आपका राज था, आपने क्या करा? नहीं, मुझे आप बयान रिपोर्ट कर दो प्रियंवदा जी, जी क्योंकि कांग्रेस का जिक्र किया, मुझे याद आ गया प्रमोद तिवारी ने ये बयान दिया था कि कुछ कमियां जानबूझ के कानून में छोड़ी जाती हैं ताकि ये ना जो डीले हो रहा है ये होता रहे, इसके बारे में बोल रहे थे, क्योंकि आप लोगों के दामन में खुद दाग लगा है, कहीं आप ना फंस जाएं और इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि उसमें हमारा गर्दन अगर फंस गया तो हमें 3 तलाक में तो इन्होंने समर्थन नहीं किया, हलाला अजय जी वाह, प्रमोद तिवारी का ये बयान सुनकर मुझे तो ऐसा लगा कि क्या भूल गए, एक वो मासूम सी महिला इतने साल पहले उसने उसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आप पलट देते हैं, आप में इतनी हिम्मत है, आप महिलाओं के इतने साथ हैं, तो ये सब कैसे होता है? 70 वर्षों से आपने राज किया है देश में, ये सब लूप होल्स कहां से आए? पार्टी अपना, सब लोग अपना काम करें, एक पार्लियामेंट दिया, संसद दिया, बीजेपी को भी लेना चाहिए, वो सोने के लिए पक्ष में आप बैठे हैं और आप देख रहे हैं आपके सामने, नींद लेने के लिए नहीं है, ये तो काम करें, ये तो 2014 के बाद भी तो चीजें, ये तो उंगली उठेगी ना मैम, जब एक उंगली हम दूसरे पे उठा रहे हैं तो आपके ऊपर भी तो उंगलियां आती है। देखिए मैं कह रही हूँ इस बात को, कुछ मुद्दों को तो उठाना चाहिए पार्टी पॉलिटिक्स, उसमें क्या होगा कि आप धरना देंगे, 3 तलाक की बात आई थी तो किसने सपोर्ट किया? लेकिन निर्भया वाले मामले में कौन मना कर रहा है कि कानून में जो बदलाव होने चाहिए? अभी मैं आऊंगी पवन सोम से, एक एक करके जवाब दूंगी और देखिए सभी पार्टियों के मुंह चुप हो जाएंगे, करते नारे लगाते हैं, पत्थर फेंकते निर्भया केस में, निर्भया केस सीए और एनआरसी से इसको मत जोड़िए मैम, इस केस में अगर आप कानून में बदलाव लाने की जरूरत है, पता है दया याचिका राष्ट्रपति बोल चुके हैं को एब्रोगेट किया गया था, तब क्या हुआ था? उसमें क्या था? महिलाओं के अधिकार छीने जा रहे थे कश्मीर में, महिलाओं के अधिकार छीने जा रहे थे। मैम 3 तलाक चाह लिया सरकार ने तो हटा दिए ना, 3 तलाक का कानून आप बन गया ना मैम, क्या सपोर्ट रहा जब तक पूरा देश नहीं एक होगा? अभी भी तो सपोर्ट नहीं है, तब भी 1 इंच पीछे हटने को तो तैयार नहीं है, जब महिलाओं के अधिकार कुछ मुद्दों सारी पार्टियां एक नहीं होती, सरकारों का जब बिल पारी नहीं है, इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति सबको चाहिए, आप उस पे लगाइए ना, शाहीन बाग पे आप धरना दे रहे हैं महिलाओं के अधिकारों के लिए, तो एक बार धरना दीजिए आप, मैं मानूंगी आपको सारे विपक्षी दल आए वहां पर बैठे वहां पे, अरे तो आपका आप तो काम कर सकते हैं, सत्ता पक्ष में है, विपक्षी दलों को क्यों बुला रहे हैं इसमें? शाहीन बाग में क्यों राजनीति हो रही है? सबको सुना आपने सर, सबको सुना, अब जरा मुझे ये बताइए क्या
अब नीड ऑफ द आर नहीं हो चुका है कि सिस्टम को बदलने की जरूरत है। चुनाव की आहट जब जब करीब होती है तो इस तरह सियासी बयानबाजी, मुद्दे देखिए सर कहां कहां से ढूंढ के निकालते हैं। मतलब मुझे ताज्जुब होता है कि इस मुद्दे पर भी अब सियासत होने लगी। अब कोई मुद्दा नहीं बचा, आम आदमी पार्टी के पास भी नहीं बचा जो कहती थी कि हम कुछ अलग तरह की राजनीति करेंगे। ये क्या है, सिस्टम को क्या बदलने की अब जरूरत आ चुकी है? क्या यह महसूस करना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों को? परविंदर सेठी, मेरे को बड़ी शर्म आ रही है यहाँ पे बैठ के ये सारी बातें सुनते हुए। आप लोग ये सोचिए, अगर ये किसी हमारे परिवार का बच्चा होता तो क्या हम ये तमाशा करते हैं यहाँ पे जो ये राजनीतिक पार्टियाँ कर रही हैं? आपको सत्ता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। आप उस, आपको 14 दिन का डिले लग रहा है, आपको 7 साल का डिले नहीं लगा? 7 साल तक उस बच्चे को न्याय नहीं मिला, उसके माँ बाप जगह जगह, मैं कहता हूं अगर किसी के साथ हो जाए तो माँ बाप वैसे ही मर जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन सिर्फ उन्होंने अपनी बच्ची के कत्लेआम और रेप और बर्बरता के साथ जो उसके साथ हुआ, उसका उसको न्याय के लिए वो जी रहे हैं। उनके साथ अब पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमारी कानून व्यवस्था के रिफॉर्म्स की जरूरत है। क्या हर बात के लिए आप मोमबत्तियां जला के इंडिया गेट में जाएंगे तब FIR दर्ज होगी? क्या पुलिस का काम नहीं है कि इतने जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है उसके ऊपर पुलिस अपने आप एक्शन ले, पॉलिटिकल पार्टीज उसके ऊपर दबाव डालें कि इमीडिएट एक्शन होना चाहिए? पूरा देश जब जाके मोमबत्ती जलाता है उसके बाद उसके ऊपर FIR दर्ज होती है, उसके बाद भी पुलिस कमिश्नर पूछता है पॉलिटिकल पार्टी से कि मैं एक्शन लूं कि ना लूं। यह सच्चाई है, ये हमारे देश की सच्चाई है। और इसके लिए हमारे देश के जो नेता हैं उनको सत्ता के अलावा सीट पे आता है ये सोचना चाहिए कि ये जो सिस्टम मैकेनिज्म है इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। ये सिस्टम जो है हर चीज को बांधता है, पुलिस को भी बांधता है, कानून को भी बांधता है। इस सिस्टम को जो एक पुराने डर से चला आ रहा है, हम उसी को चला रहे हैं। मैं कहता हूं 6 उपयुक्त थे, 6 आरोपी थे, जिसमें से एक ने सुसाइड कर लिया, 4 को फांसी की सजा हुई है। एक व्यक्ति जिसने सबसे बड़ा क्राइम करा वो नाबालिग था। जो व्यक्ति इतना बड़ा क्राइम कर सकता है वो नाबालिग हो या बालिग हो, उसको 3 साल की सजा देके आपने छोड़ दिया, इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता? वो तो सिलाई मशीन दे रहे हैं केजरीवाल साहब उसको तो। उस व्यक्ति, उस बच्चे को जो बच्चा रेप कर सकता है, देखिए ये राजनीति का विषय नहीं है सर, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। अगर हमें कोई टीवी पर देख रही होगी माँ बहन, वो टीवी बंद कर देगी, बिल्कुल कर देगी सर, बिल्कुल कर देगी। वो कहेंगे ये लोग हमारे देश को संभालेंगे, ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप अपनी पार्टी का फेस है सर, आप आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस एक्सप्रेशन, आप जो बात करते हैं से की जाती है। आप इंडिविजुअल नहीं है, आप एक पार्टी का फेस हैं। आप कम से कम थोड़े से इन सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपको ही नुकसान देने वाली है। मैं कहता हूं आप फॉरेन कंट्री में जाइए, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, विद इन टू मिनट्स हेलीकॉप्टर आके उनको हॉस्पिटल पहुंचा देता है। और यहां पे मैं अपने रास्ते में जाता हूं, एम्बुलेंस को कोई जगह नहीं देता, साइड नहीं देता। हम इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं वाकई, ये तो देखने को मिलता है सर। देखिए ये हमारी भी एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है सभी राजनीतिक पार्टियों की, और जो हम लोग हैं, जो आम जनता है, जब तक जनता नहीं जागेगी मरी हुई जनता की कोई आवाज नहीं सुनता। हमें अपने रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। हम बोलते बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिकली जब हमें बात करनी होती है, जब हमारे पे पड़ती है, हम वहां से कन्नी काट जाते हैं। अगर किसी और के ऊपर जुल्म होता है हम उसके साथ खड़े नहीं होते, हम एक कैंडल मार्च निकाल देते हैं। ये कैंडल मार्च का फैशन हो गया, आप उसके घर जाके उसका दुख बांटिए ना, मरे हुए के साथ मरना पड़ता है। शायद यही वजह है कि सियासी पार्टियां सियासत करती रहती है। संजीव चौधरी अब कुछ बोलेंगे, अब तो परविंदर सेठी ने कहा है, अब आप बता दीजिए आपको भी कोई दोषी लग रहा है या आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, कानून में बदलाव होना चाहिए, एक सुधारात्मक कोई कदम जो है वो उठाना चाहिए, चाहे वो आप उठाए, चाहे बीजेपी, चाहे उसमें विपक्षी पार्टियों का रोल क्यों ना हो, वो दबाव क्यों? तो बहुत बोल लेते हैं सर, इस पर बोलेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, हम सब पे ही बोलते हैं जो जायज बात होती है। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही शुरू करूंगा, माफी चाहूंगा, आप बुरा मत मानना कि आपको कांग्रेस की कमियां नजर आ गई। जो सत्ता में अब इस टाइम है
उसकी आपको एक कमी नजर नहीं आती? क्यों नहीं आती देश के? बोलने दीजिए मुझे, देखो मैंने माफी मांगी थी आपसे, आप मेरे ऊपर उठाएंगे तो मैं आरोप नहीं लगा रहा। मैंने अनिरुद्ध जी से सवाल पूछा और अभी भी टोका। दूसरी बात, अभी आपके पास में अनिरुद्ध जी बैठे हुए 70 साल कांग्रेस को गिना रहे हैं, ये भूल गए? ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही झूठे लोग, 25 साल 70 साल में इन्होंने राज किया है, इनको ये याद दिलाना पड़ेगा, ये झूठ बोल रहे चैनल पे बैठे हुए। दूसरी बात, जहां तक उस बच्ची की चीख की आवाज है वो किसी को सुनाई नहीं दे रही, उससे हम बिल्कुल इनको रातों रात किसी का ऋण माफ कर सकते हैं कैबिनेट को बुला करके, इनके प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी, तो रातों रात इनके लिए क्यों नहीं एक कानून बनाता, इनको निकाल के बाहर गोली मार दीजिए, कोई पब्लिक कुछ नहीं कहेगी, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है इनके लिए, तुरंत ही सजा मिलनी चाहिए, क्या दिक्कत है इनको? जब रातों रात किसी का ऋण माफ किया जा सकता है, रातों रात यहां से बाहर के उद्योगपति बाहर भगाए जा सकते हैं, सारी सुविधाएं सबको दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो ऐसा कानून क्यों नहीं? दूसरी बात, ये आम आदमी पार्टी को दोषी देकर के अपना पीछा नहीं छुटा सकते, क्योंकि देश आज इनके अंडर में है, आज इनके नेतृत्व में देश चल रहा है, आज इनको जवाब देना होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना होगा, गृह मंत्री जी को जवाब देना होगा, पुलिस इनके हाथ में, सिस्टम बात बोलने दीजिए, आपको हमें एक घंटा सुनने नहीं आए सारे लोग, आप एक घंटा, चलिए चलिए, इनके हाथ में सब कुछ है, कानून व्यवस्था रातों रात कानून बनाइए और रातों रात, चलिए मतलब आप यही, आपकी मांग यही है कि रातों रात कानून में बदलाव होना चाहिए, जो निर्भया की मां रो रही है इन आंसुओं को इंसाफ मिलना चाहिए, इनको उसकी आंख चीख नहीं सुनाई थी, बच्ची की नहीं थी, उसकी मां की नहीं थी, और ये अभी भी राजनीति कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं बैठे जवाब, जवाब जवाब कि बच्चों है, बच्चों की गलती हो जाती है, झूठ बोल रहे। देखिए मैडम, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप आज की बात कीजिए, आप भी आएंगे सर सत्ता में, आप भी आएंगे सत्ता में, आपके हाथ में, आप भी आएंगे सर, आप भी आएंगे, सुरक्षित हाथों में, आप भी आएंगे, सवाल उस समय भी दिखे पूछूंगी, आपने कहा था अनुरोध जी जवाब दीजिए, आपने कहा था बहन बेटियों को सुरक्षा देंगे, कहां है सुरक्षा देने के लिए, संजीव जी बताइए, निर्भय अभी आप सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, लोगों का प्रावधान किया गया है, इस्तीफा देना चाहिए, इस देश के लोगों ने, इस देश को गुमराह मत कीजिए जी, ये देश आपको माफ नहीं करेगा, सातों पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, इस देश को बर्बाद कर दिया आपने, आप राजनीति करते हैं, आपको सत्ता चाहिए, आपको सब कुछ सिस्टम आपको चाहिए, किसी को मरो मरो, किस पर बच्ची का बलात्कार होता हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको सत्ता चाहिए, आप भूल जाइए, आज की बात कीजिए, क्यों नहीं इनको रातों रात, रातों रात कानून बना करके फांसी क्यों नहीं देते, कौन रोक रहा है आपको बताइए, एक आदमी बताइए कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है आपको, आप बताइए कौन रोक रहा है, चैनल में जितने लोग पैसे मांग रहे हैं, मैं आपसे लोकसभा में, राज्यसभा में, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ भाई साहब, आप यहाँ भाषण देने आए, ये डिबेट हो रही है, आप स्पीच दे रहे हैं, आप इलेक्शन की स्पीच दे रहे हैं, आप इलेक्शन की स्पीच दे रहे हैं, आप स्पीच दे रहे हैं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, देखो अगर आपको शर्म आ रही है, आपको शर्म आ रही थी, आप देखो शोर वो बदल जाता है जिसके पास कॉन्टैक्ट मिल जाता है, शोर वो व्यक्ति बन जाता है, शोर वो व्यक्ति बन जाता है जिसके पास आपको सुनाई दी, आपके पास चीख चीख नहीं सुनाई दे रही आपको, आपके पास आप बचाव करते हैं, भाषण देते हैं, बोला नहीं जाता, आप सिर्फ लोगों का आप बचाव करते हैं, मैंने किसी का साथ नहीं दिया, आप झूठ मत बोलिए, कहा झूठ है, आप झूठ मत बोलिए, इस माफ नहीं करेगा, आप पति माफ नहीं करेगी, आप उस पति के हाथ में माफ नहीं करेगी, शोर क्यों मचा रहे हैं, आप माफ नहीं करेंगे, चलिए 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 आप पवन सोम से एक एक करके जवाब ले लो, देखिए सारा मामला कानूनी दांव पेच का है, संजीव जी आपने सुना आपका ध्यान किधर है, आपका ध्यान किधर है, आप अपने स्पीच तैयार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को दोषी करना चाहते हैं, आप अपनी स्पीच तैयार कर रहे हैं, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, दोनों आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, थोड़ा सा नहीं सुनते सर, कोई भी पार्टियां अपनी अपनी अपने हित की बात सुन लेती है, लेकिन दूसरे के हित उनको सवाल नहीं सुनाई दिया, मैंने अनुरोध को क्वेश्चन भी किया, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, आप सुनते नहीं है, मैंने क्या बोले, आप पहले आपके पास कॉन्टैक्ट है, आप जोर मचाते हैं, भाई बताइए, आप भाई जोर मचाते हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट नहीं है, पूछे आपके पास कोई कॉन्टैक्ट बताइए, आपके पास कोई विचार नहीं है, आप 0% है, आप 0% है, सभी लोग कह रहे थे बहुत आपका सिर्फ चोर मचाया, आपका सिर्फ चोर मचाया।
जवाब है पवन सोम एडवोकेट वो बचे हुए हैं क्योंकि पूरा मामला जो है वो कानूनी दाव पेच का है। जब तक कानून में सुधार नहीं होगा चीजें बदलने वाली नहीं है। किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी कितनी जिम्मेदारी, कौन क्या कर सकता था नहीं कर सकता था, सभी सवालों के जवाब पवन सोम के पास है क्योंकि वो एडवोकेट है, कानूनी दाव पेच वही बता पाएंगे। पवन सोम आपके पास एक एक करके सवालों के जवाब लूंगी सर। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फांसी की सजा दे दी उससे लेके अभी तक के वक्त को देख ले सर, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कितनी बनती है इस केस में, क्या कुछ केंद्र सरकार की तरफ से स्टेप लिए जा सकते थे, दिल्ली सरकार की कितनी जिम्मेदारी बनती है, क्या कुछ स्टेप दिल्ली सरकार की तरफ, क्योंकि देखिए ये सब लीगल रेमेडीज हैं, वो तो दोषी हैं वो टालेंगे, लेकिन जब फांसी की सजा सुना दी गई तो डेथ वारंट जारी करने के लिए क्या इश्यूज आते हैं, क्या उसमें दिल्ली सरकार हस्तक्षेप कर सकती थी, किसी तरह की कोई नोटिस भेज सकती थी या केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती थी, सर पहले इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले इस पूरे सेंसिटिव जो केस है हमारा निर्भया केस, पूरा देश इसमें एक मत है कि उनको फांसी होनी चाहिए जी। कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई थी जी। और मोहर लगाने के बाद बोला है कि भाई इन चारों को जो है फांसी की सजा दी जा रही है, ठीक है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में बात है। और अगर हम लोग देखें हाई कोर्ट में तो यहां पर जो चार इस केस के एक्यूज्ड हैं, एक अक्षय करके हैं, एक पवन है, एक विनय है और एक मुकेश करके हैं। जो इसमें पवन है वो उस वक्त नाबालिग थे जिस वक्त ये पूरा का पूरा मामला हुआ था, केस हुआ था। तो उन्होंने अपनी एक पिटीशन डाली थी हाईकोर्ट में और ये कहा था कि साहब मैं तो नाबालिग हूं, मुझे जो है इससे बाहर रखा जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया था और ये कहा था कि जिस तरह के ग्राउंड्स हैं, जिस तरह का ये केस है उसमें आपको नाबालिग करके छोड़ा नहीं जा सकता है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो ये चार एक्यूज्ड हैं। जो सबसे पहले आज बात करता हूं मैं मुकेश की, मुकेश ने जो एक अपनी आज एक पिटीशन डाली थी जिसको कहते हैं मर्सी पिटीशन, जो क्यूरेटिव पिटीशन के बाद में डाली जाती है, तो मर्सी पिटीशन डाली थी। लेकिन एक मजे की बात आप जान के हैरत में आएंगी कि वो पिटीशन डाली जाती है हमेशा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के थ्रू, तो गृह मंत्रालय के थ्रू वो पिटीशन डाली गई थी और उसमें गृह मंत्रालय ने अपनी नोटिंग भेजी थी इसमें इनको फांसी की सजा को बरकरार रखा जाए, ये उन्होंने भेजा था और उसके साथ में ये मर्सी पिटीशन भेजी गई थी राष्ट्रपति जी को, तो राष्ट्रपति जी ने भी उसको माना है और उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा है जी। लेकिन इसमें एक और एक्यूज है विनय जो है, उनकी जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो उन्होंने उसमें अभी डाली है और वो डालने के बाद में वो भी उनकी जो है रिजेक्ट हो गई है जी। अब एक उसमें उनके पास में जो रेमेडी बसती है वो है मर्सी पिटीशन, और मर्सी पिटीशन के थ्रू अब वो राष्ट्रपति के समक्ष वो डालेंगे और डालने के लिए उनको अपना पूरा राइट है, कानून में उसके लिए प्रावधान दिया गया है, वो डाल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो बाकी दो एक्यूज बचे हुए हैं जिसमें आपके पवन हैं, अक्षय हैं, उन्होंने ना तो अभी तक कोई अपनी क्यूरेटिव पिटीशन डाली है ना उन्होंने अभी तक कोई मर्सी पिटीशन डाली है जी। तो इसका मतलब ये है कि दो दो रेमेडी उनके पास में अभी बसती हैं। ये केस को किसी भी तरह से हम लोग, जैसे अभी बात हो रही थी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या थी और क्या इसमें राज्य सरकार की अपनी बनती है, तो राज्य सरकार के पास में जो चीजें आती हैं उनके अपने जो काउंसिल हैं वो उस केस को देखते हैं, राज्य की तरफ से देखते हैं और उसमें डिफेंस पेश की जाती है जी। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें जैसे कि मैंने बात की थी, जो पवन है वो उस वक्त छोटे थे, नाबालिग उनको माना था और उसी के मानते हुए उनके जो आपने देखा होगा कि उनको सिलाई मशीन दी गई, काम सिखाया गया, ये करा वो नहीं, तो सर वो, ये तो एक पांचवे की अक्यूज जो नहीं, जैसे नहीं, तीन, नहीं, जो मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपसे कि जो पवन है वो हाईकोर्ट में उसको रिजेक्ट किया गया था, ठीक है। अब इन चारों के पास में जो, अच्छा दूसरा क्या होगा कि चारों को सजा भी फांसी की एक साथ दी जानी है, ये भी हम सब जानते हैं क्योंकि जजमेंट में लिखा है कि चारों को इनको फांसी दी जानी है, और वो एक ही है सर, करेक्ट 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 करेक्ट, क्योंकि वो टेक्निकल मामला है। अब चूंकि इन दोनों के पास में दो दो अपने कानूनी अधिकार हैं और जो विनय हैं उनके पास में एक मर्सी पिटीशन,
तो पांच इनके पास में भी पांच बार ये जो है अपनी पिटीशन को दाखिल कर सकते हैं अभी। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में हो सकता है इस केस में थोड़ा और टाइम मिल जाए इनको। नहीं, ये तो सर ये सब टाइम मिलने की बात हुई, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जब फांसी की सजा दे दी जाती है, देखिए आम आदमी पार्टी के ऊपर तो बीजेपी का यही आरोप है ना कि आपने नोटिस नहीं भेजा, आपने पूछा नहीं, जब फांसी की सजा दे दी गई, डेथ वारंट जारी होना है अगर, तो उसके पहले आपको अगर दायर करनी है याचिकाएं, आप क्या बैठे रहेंगे जेल के अंदर? कौन चाहेगा सर मुझे फांसी हो जाए? वो तो बैठा रहेगा दोषी कि फांसी की सजा मिल गई है, हम नहीं डालेंगे दया याचिका, हम नहीं डालेंगे रिव्यू पिटीशन, रिव्यू के बाद भी क्यूरेटिव पिटीशन का ऑप्शन है, वकील सब बता रहे हैं उनको, तो वो तो बैठे रहेंगे, लेकिन किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो उनसे ये दबाव बना सके या पूछा जा सके। क्या कुछ है कानून में ये प्रावधान? असल में क्या ये जानना है कि कानून में इसके लिए कहीं भी कोई ऐसी ऑब्लिगेशन या कोई ऐसा प्रावधान नहीं बना है कि जिसमें चारों को एक साथ कोई मर्सी पिटीशन या तो फिर रिव्यू पिटीशन या तो फिर क्यूरेटिव पिटीशन वो उनको एक साथ डालनी है। उसमें तो ये लिखा गया है कि इनके पास में ये रेमेडी है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जानबूझकर एक एक जो एक्यूज है वो अपने काउंसिल के थ्रू अपने जो उसके डिफेंस है उस डिफेंस में वो अपने दोनों जो उनके पास क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन दोनों को एक एक करके डाली जा रही है। अब आप देखेंगे पहले अक्षय डाला, नहीं तो ये प्रावधान नहीं है ना ऐसा कुछ। अब बताइए अनिरुद्ध जी, आप सुन रहे हैं पवन सोम ये कह रहे हैं, मैं तो कानूनी दाव पे, अब आप कैसे आप के ऊपर आरोप लगा। एक बात और कहना चाहूंगा कि इसमें एक अच्छी बात ये हुई है कि हमारा जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय ने अपने नोटिंग करके भेजा था इसमें आज ही, जिसको रिजेक्ट किया गया है मुकेश के लिए। मुकेश ने बोला था कि हमें जो है इसमें मर्सी पिटीशन दी जाए, हमें फांसी से छोड़ दिया जाए, लेकिन गृह मंत्रालय ने नोटिंग में लिखकर भेजा था कि इसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा जाए, किया था उसकी बरकरार रखा जाए, तो इसका राज्यपाल ने भी सिफारिश की थी सर। करेक्ट करेक्ट, लेकिन चलिए वो तो सिफारिश की बात हो गई सर, लेकिन बात हो रही है कि प्रावधान कुछ ऐसा है नहीं, अगर नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं अनिरुद्ध जी की आप आम आदमी पार्टी ने लटका है? कायदे से समझा दिया है, समझने की बात जो है, गवर्नमेंट की स्टैंडिंग काउंसिल है वो हर रेमेडी को लेके ये वहां पे तिहाड़ जेल में बोलती है कि जब तक सबकी लीगल रेमेडी फिर आप सिलाई मशीन पे आ गए, मैं आपका जवाब दे रही हूँ, मैं आपका जवाब दे रही हूँ, आप सिलाई मशीन पर आ रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि स्टैंडिंग काउंसिल बोल रहा है। अरे सुन लीजिए साहब, मैं बताऊँ, सुन क्या लोग जवाब गलत बोल रहे हैं? अरे सब जवाब गलत नहीं बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी लटका रही है फांसी को, मैं बताऊँ वो तो देना नहीं चाहते हैं। हमें ये सियासी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसमें किसी दिल्ली सरकार ने इसको डिले किया है। दिल्ली सरकार के पास में भी कहीं अलग से कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि वो एक्यूज की तरफ से कोई पिटीशन डाल सके। अनिरुद्ध जी अब आपको संतुष्टि मिली? पर्सनल लेवल पर मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेवल पर तिहाड़ जेल को उनकी स्टैंडिंग काउंसिल को लिख के क्या, वो तो निर्भया की तरह है कि मुकेश को रेमेडीज हैं उनके पास, उनके पास लड़के सब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं। ये अरविंद केजरीवाल को लगता है कहीं झुग्गी झोपड़ी में रेमेडीज है तो क्या इशू होगा? अरे मशीन बांट रहे हैं आप, बात कर रहे हैं ये मालीवाल खड़े हो रहे हैं देखिए ऐसा है। एक मिनट कुछ रखना चाह रही हूँ मैडम। दो बार स्वाति मालीवाल का नाम लिया गया है। स्वाति जी ने 13 दिन का अनशन किया, बोला ऐसा प्रावधान बनाओ कि इन दो लोगों को अरे आप पूछ तो लेती। हम तो पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं ना, जवाब दीजिए। एक जुबनाइल को फांसी की सजा हो रही, एक जुबनाइल को सिलाई मशीन दी जा रही है। हो गया, हो गया, हो गया, बस पवन सोम, पवन सोम, पवन सोम, मेरे पास वक्त की कमी है, प्लीज एक बात बताइए सर, कानूनी दाव पेच इतने ज्यादा मौजूद है। नहीं एक मिनट मैम, आपके पास सवाल अगर है तो मैं आती हूँ, नहीं तो मेरे पास वक्त कमी है। हाँ प्लीज सब लोग प्लीज सुन लीजिए। देखिए जहां तक मेरे को कानूनी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पर चूंकि इस केस का जो
इसका वो आ गया था, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ गया था, वो मार्च 2017 में आया था, फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल होती है 2018 में, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली में सरकार थी या सरकार है उसको गाइड करना चाहिए था निर्भया के वकील को, उनको इतना तो, क्योंकि ये पूरा देश देख रहा है उस समय, वही कैंडल मार्च निकाल रहे थे। देखिए एक मिनट, आगे गाइड करना चाहिए था। एक मिनट प्लीज ले लिया मैम मैंने सवाल ले लिया। अब यहाँ तमाम मौजूद पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि संजीव चौधरी बहुत, एक मिनट अजय जी प्लीज मेरे पास वक्त की कमी है और मैं कंफ्यूजन, क्या आपके पास कोई सवाल है? आपके पास सवाल है तो पूछिए, आप 30 सेकंड ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं सर, मेरे पास वक्त की कमी है। आओ मिलकर सोचें, भारत की नारी, भारत की बेटी कैसे बचे 70 साल तक, भाई सब नहीं सोच पाए, 30 सेकंड में शर्म आनी चाहिए, शर्म तो आपको आनी चाहिए, शर्म तो शशि थरूर का केस आगे नहीं बढ़ा पाए, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे आप शशि थरूर का केस आगे नहीं बढ़ा पाए, 70 साल की बात कर रहे हैं आप? उम्मीद ज्ञान आपको नहीं है, 70 साल तक आपने जनता को बेवकूफ बनाया, 70 साल तक आपने ये बेवकूफ बनाया, 30 सेकंड 70 साल तक इनको समय मिला, 70 साल तक जनता ने आपको सुना, लेकिन आपके पास टाइम नहीं रहा, 70 साल तक जनता की आप सुनते नहीं, 70 ईयर तक आपको टाइम मिला था, आप क्या कर रहे हैं? पवन सोम मुझे एक बात बताइए, क्या कोई केस ऐसा होता है सर, ये इतिहास गवाह है, कोई केस नजीर नहीं बन सकता? क्योंकि देखिए यहाँ राष्ट्रपति को भी ये पता है कि अभी ये मुकेश की याचिका खारिज की गई है, अक्षय की भी गई हुई थी, विनय की भी है, अभी सब बचे हैं ये, तो क्या ऐसे केस जिसमें पता है कि फांसी होनी है लेकिन ये सिर्फ रेमेडीज है उनके पास, ये दावपेच बचे हुए, तो क्या ये केस नजीर नहीं बन सकता कि अब कानून में बदलाव की जरूरत है? आपके कानून से इस तरीके से दोषी जो है वो खेल नहीं सकते, क्या इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एक मंच पर नहीं आना चाहिए? हाँ, इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर हम पॉलिटिकल विल रखते हैं सारी पार्टियां, और सारी पार्टियां इस निर्भया केस को एक इस तरह की मिसाल पेश करना चाहते हैं, तो उसमें ये एक रेमेडी है, ये काम हो सकता है कि सब मिलकर जो हमारी सीआरपीसी में और बाकी आईपीसी में जो हमारे टाइम दिए हुए हैं ऑफेंसेस के बाद में उनकी सजा दी हुई है, उसको हम लोग इस तरह के जो जघन्य अपराध हैं उसमें तब्दीलियां हो सकती हैं, और एक की दया याचिका खारिज मतलब सबके खारिज, करेक्ट। एक मिनट, अगर हम सारी पार्टियां जितनी भी देश की हैं वो चाहें तो जो मर्सी पिटीशन है, क्यूरेटरी पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन है, उसके लिए जो टाइम दिया गया है इस तरह के जघन्य अपराधों में, और जो बिल्कुल जघन्य अपराध माना गया है इसको, उनमें तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें विल दिखानी पड़ेगी और एक साथ एक मंच पर आना पड़ेगा। चलिए, तो ये संभव है, यही एक पॉजिटिव नोट है, यही एक पॉजिटिव नोट है। टाइम अप हो चुका है, और इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं चाह रही थी कि आए ये बात सामने कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल विल दिखाना होगा, वरना सिर्फ और सिर्फ सियासत आप करते रह जाएंगे सर, और सभी जनता अब समझने लगी है। तो प्लीज ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर सभी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज बैठे हैं उनके नेता, उनसे अपील है कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर कहीं ना कहीं थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाते हुए, पॉलिटिकल विल दिखाते हुए एक मंच पर आइए और ऐसे प्रावधान बनाए जाएं ताकि जघन्य अपराध करने वाले दोषी इस तरह से कानून से ना खेल पाए, हमें भी पता है रेमेडीज क्या क्या है, इस तरह रेमेडीज का इस्तेमाल वो ना कर पाए। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, इसी पॉजिटिव नोट के साथ सभी तमाम गेस्ट का यहां पर चर्चा में शामिल होने के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं, और इसी पॉजिटिव नोट के साथ अपने शो को खत्म करूंगी कि पॉलिटिकल विल सभी पार्टियों को दिखाने की जरूरत है, जुबानी जंग ना खेले, अगर कुछ करना चाहते हैं ना तो संसद में करके दिखाएं और सभी इस पर सपोर्ट करें, फिर हम भी देखेंगे देश की आधी आबादी कि कौन पॉलिटिकल पार्टी क्या कुछ चाहता है, वरना हकीकत तो आपके सामने है और आप डिसाइड कीजिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए।